बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास फोर के साइंस जस्टिस कर लिए स्टूडेंट्स आज हमने, लेक्चर नंबर 17 है। ओके, जो यूनिट नंबर 3 है आपका, टॉपिक है द प्लांट वर्ल्ड, और सब टॉपिक में आपके पास क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था, आज हमने लेक्चर जो है क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या है, इनके बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन में। आंसर इज जाइलम एंड फ्लोएम आर ट्यूब्स। ये क्या होती है, असल में ट्यूब्स होती हैं। किस चीज़ को कंडक्ट करने के लिए होती हैं, ये भी डिस्कस करते हैं। जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अगर हम बात करें जाइलम और फ्लोएम की, तो जाइलम की बात करें, जाइलम जो है ये ऐसी ट्यूब्स होती हैं, असल में ये वैस्कुलर बंडल होता है प्लांट के अंदर, जिसको हम कलेक्टिवली जो है जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनता है बंडल, इसको कलेक्टिवली कहते हैं वैस्कुलर बंडल। और यहाँ पर बात करें जाइलम और फ्लोएम की, तो जाइलम का क्या है, जाइलम काम करता है, कैरी करता है वाटर को और मिनरल्स को, किसके रूट्स और रूट से लीव्स की तरफ, यानी कि जड़ से पत्तों के अंदर जो है ये इन चीज़ों का कंडक्शन का काम करता है, वाटर या मिनरल्स वगैरह। फ्लोएम जो है, अगर हम फ्लोएम की बात करें, तो ये भी एक आपको पता है टिश्यू है, ये क्या कैरी करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी ग्लूकोज जो है पत्तों से पौधे के दूसरे हिस्सों तक जो है लेके जाता है फूड को। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, इसके ऊपर आपने छोटा सा नोट लिखना है, बताना है क्या चीज़ होती है स्टोमेटा। जी, स्टोमेटा आर द जिनी होल्स विच आर लोकेटेड अंडर साइड ऑफ द लीव्स। When the photosynthesis is taking place, these holes are open. अगर आप बात करें स्टोमेटा की, तो क्या है, वो कह रहे हैं स्टोमेटा छोटे छोटे होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, जो कि पत्ते की अंडर साइड निचले हिस्से पर मुश्तमिल होते हैं। ये देख सकते हैं आप अपनी स्लाइड पर, आपको जो है लेफ्ट साइड डायग्राम नजर आ रही है, ये भी स्टोमेटा की डायग्राम है। वो कहते हैं जब फोटोसेंसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो ये जो स्टोमेटा होते हैं ये ओपन होते हैं, यानी कि इनके जो होल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, ताकि उधर से जो है आपका फोटोसेंसिस का प्रोसेस हो जाए। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको जो है अगर राइट साइड आप देखें अपनी स्लाइड के, तो वो जो है क्रॉस सेक्शन स्टोमेटा आपके पास, और लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें तो हमारे पास सर्फिस व्यू, ये छोटी सी डायग्राम आपकी जो है स्टोमेटा की है। ओके जी, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर 4 मेन प्रोसेसेस ऑफ प्लांट। एक जो पौधा है उसके अंदर कौन कौन से मेन प्रोसेस जो होते हैं उसकी, यानी कि कह सकते हैं सर्वाइवल के लिए, या टिल जहाँ से जर्मिनेट होता है उससे लेकर उसकी डेथ तक, वो भी कह सकते हैं आप, प्रोसेस होते हैं कौन से होते हैं। फर्स्ट है आपके पास फोटोसिंथेसिस, इसका प्रोसेस होता है, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन होता है, थर्ड ट्रांसपिरेशन, एंड फोर्थ जो है आपके पास रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।